सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क इटर्नल का। और आज का आर्क इटर्नल का जो एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमने एक पावरफुल सी जो पाइक है, वो पाइक बनाने का काम जो है गाइस वो कर लिया था। और साथ में मैं एक प्राइम वाला पीटी जो है गाइस वो भी डैम करके लाया था। पहले मुझे ये प्राइम पीटी जो है वो टॉर्पूर वगैरह दे सकता है कि नहीं, वो चेक करना है। 1000 लेवल का प्राइम पीटी में, ओ व्हाट भाई, भाव खा रहा है, सैडल नहीं पहन रहा है नॉर्मल वाला, तो इसको पीटी का सैडल पहनाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे कोई ये वाला अल्फा, मे बी अल्फा वाला सैडल पहनेगा। चलो कोई बात नहीं है। और मैं अपने लिए आज गिली सूट भी बनाने वाला हूँ, एकदम तगड़ा वाला आर्क इटर्नल का गिली सूट। उसके लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर की खेती बाड़ी जो है गाइस वो चल रही है। और जब तक ऑर्गेनिक पॉलीमर यहाँ पे एक का डबल हो रहा है, तब तक हम लोग इस प्राइम पीटी की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। स्टैमिना में पॉइंट थोड़े से भाई यहाँ पे है, डैमेज हेल्थ वगैरह में पॉइंट, डैमेज में एक दो पॉइंट। चलो, दिखने में तो नॉर्मल ही है गाइस पीटी, दिखने में नॉर्मल पीटी की तरह है, कुछ खास नहीं है इसमें, नॉर्मल पीटी है भाई, ठीक है। बट क्या ये टॉर्पोर दे सकता है? बस इस एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। कितना टॉर्पोर है? टॉर्पोर 1500 टॉर्पोर। पीटी तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? 1500 टॉर्पोर दे पा रहे तू खाली? बोले प्राइम डायनोस से भाई इजीली नॉकआउट कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी भाई, पागल बना रहे सब। चढ़ रहा है? नहीं नहीं चढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं चढ़ रहा भाई, बिल्कुल टॉर्पोर नहीं चढ़ रहा। तेरे को चढ़ रहा भाई टॉर्पोर? चढ़ रहा है? 1500 टॉर्पोर चढ़ रहा है आप तू भाई पीटी, यार क्यों मैंने भाई इसको टेम करा पिछले एपिसोड में। चलो कोई ना, हमारे पास पाइक तो है, पाइक से काम चल जाएगा। पाइक का सीन ये होगा, बस हमको थोड़ा सा मरना पड़ेगा 10-12 बार, और कुछ नहीं। तेरे को एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक्सपी पोशन डाल के इसको मैक्स लेवल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर टेम कर ही लिया है अभी तो भाई मैक्स लेवल ही कर लेते हैं डायरेक्टली। भाई 3 लाख, ओए डैमेज तगड़ा जा रहा है भाई का, भाई इसका डैमेज सॉलिड जा रहा है, 3-4 लाख डैमेज दे रहा है सीधा पीटी। भाई पीटी ये काफी ज्यादा ओपी, वैसे देखा जाए तो डैमेज काफी बढ़िया दे रहा है, ठीक है। मैंने इसको इम्प्रिंट भी कर लिया है, अभी जरा एक बार देख लूँ डैमेज कितना जा रहा है, डैमेज कितना जा रहा है। नॉर्मल तो 1.5 लाख का डैमेज है, 5 लाख डैमेज जा रहा भाई इसका, ठीक है भाई, ठीक है। डैमेज के मामले में ये पीटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मेरे पास अलग अलग तरह के पीटी जमा हो चुके हैं। चलो अभी मुझे गिली सूट बनाना है, ठीक है। आर्मर में ग्लाइडर एक, पहले फर्स्ट एक ग्लाइडर, देन टेक वाला सूट हम बना नहीं सकते, गिली सूट इफ पॉसिबल हुआ तो इस गिली सूट को। क्या हुआ डूड, कोई तो चीज़ कम पड़ रही है, क्या चीज़ कम पड़ रही है भाई? गिली सूट क्या कम पड़ रहा है? रेड क्रिस्टल, ओ डीएम मैन, मुझे ऑरेंज नहीं, मुझे रेड क्रिस्टल चाहिए थे। मैंने गलती से ऑरेंज क्रिस्टल यहाँ पे इक्का डबल करने के लिए डाल दिए, मुझे रेड क्रिस्टल डालने थे। उपसी, माय मिस्टेक गाइज। रुको, रेड क्रिस्टल डाल रहा हूँ मैं। उस सूट के बिना जो है ना गाइज हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो गिली सूट जो है ना गाइज बनाना ज़रूरी है। हाँ मैं गिली, ओके ये बन गया, ये भी बन गया, दो और चीज़ें बनानी बाकी है, फिर हमारा पूरा गिली सूट कम्प्लीट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ब्लू क्रिस्टल, वॉट कितना चाहिए ब्लू क्रिस्टल भाई? 2 चाहिए ना, चलो इतना तो सैक्रिफाइस कर सकता हूँ मैं, लो। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन क्रिस्टल भाई, ये लो। चलो सारे क्रिस्टल भाई यहाँ पे डालने पड़ेंगे, रुको मुझे पता नहीं इन क्रिस्टल का क्या सीन है। ब्लू क्रिस्टल टर्न ऑन एंड रेड डाल दिया, ऑरेंज भी डाल देता हूँ। इनका कुछ तो सीन है गाइस इन क्रिस्टल्स का, ये आगे जाके हमारे काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने क्रिस्टल्स को फार्म करने के लिए डाल दिया है। मेरे पास अभी अपना गिली सूट है, ग्लाइडर है, ओके। पहले तो गिली सूट पहन लूँ मैं,
ओके पहले गिले सूट पहन लो, ग्लाइडर यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हाथ जो है ये यहाँ लगा देता हूँ, ये जो फेस है वो लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है चलो। ओ भाई बोले तो फुल टू दबाई, ये देख रहा है गाइस गिली सूट, ओपी बोलता है अरे ये तो वही ग्लाइडर है ना, पंची बन उड़ उड़ के जा सकते हो फुल स्पीड में भाई, फुल स्पीड में हाथ में अगर हम ऐसे पाइक ले उड़ उड़ के और तो उसको मार सकते हैं एनाकोंडा को। ये गाइस मेरे दिमाग में मस्त वाला प्लान है, पाइक का है मेरा ये रहा ना, ठीक है तैयारी जीत की, पाइक मेरे पास आ चुका है, गिली सूट आ चुका है, मैं जा रहा रेड ऑब्लिक, रेड ऑब्लिक से उड़ उड़ के मैं उस एनाकोंडा के पास जाऊंगा, उसको पाइक से फट से हेडशॉट मारूंगा, ठीक है फट से हेडशॉट मार के अगर मैं हाथ में पाइक मार सकता क्या, नहीं मार सकता, मार के भाग जाऊंगा पट्ट से, ठीक है। ये ग्लाइडर है गाइस, देख रहे हो ग्लाइडर की एबिलिटी देखो भाई, एबिलिटी देखो, बस इसको उड़ाना आना चाहिए, ठीक है इसे ऊपर नीचे कर करके गाइस हम लोग को उड़ाना पड़ता है इस ग्लाइडर को। ओह यस लेट्स गो बॉयज, ओपी बोलते हैं, ओपी बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एनाकोंडा को टेम करना जरूरी है हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए, मैं जा रहा हूँ उस एनाकोंडा के पास, 650 लेवल का एनाकोंडा है, ठीक है ओके। टीपी तो भेज दिया है ना, लैंड कर भाई, पहले टीपी भेज दूँ घर पे, मैं नहीं चाहता फ्रीपॉइंट में भाई मैं मारा जाऊँ, ठीक है उठ जा। कोई ना सब प्लान के हिसाब से ही हुआ भाई, प्लान के हिसाब से ही हुआ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का गाइस, प्लान के हिसाब से हुआ है भाई, ठीक है। LAOP उसका नाम भाई वापस से सर्च करना पड़ेगा मुझे, रुको लास्ट लोकेशन मैंने भेज रखी है LAOP, ठीक है रुको पहले तो मैं अपना सामान ले लूँ वापस से, ठीक है एंड LAOP, ठीक है LAOP कहाँ पे ये वाला बराबर, टॉर्पोर 1 लाख 1.5 लाख टॉर्पोर चढ़ गया है गाइस, ठीक है 1.5 लाख टॉर्पोर तुम्हारे भाई ने उसको चढ़ा दिया है, पेनो ग्लाइडर पेनो ग्लाइडर पेनो, लेट्स गो लास्ट लोकेशन ओके। वहाँ पे जाती हूँ वापस से, मुझे एक और लोकेशन भाई किसी भेजना पड़ेगा घर पर, ठीक है उड़ जाओ, से मिशन सक्सेसफुल। आ मेरी जान कैरी शेमड़ी फ्लावर समझाएगा मेरे को, फायर है अपन, एंटी पेंडू नहीं समझना भाई मेरे को, ठीक है ठीक है। कोई ना नो प्रॉब्लम हो गाइज, अभी देखो हमारे पास नॉकआउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो PDs है उनका टॉर्पोर गाइज उसके ऊपर पड़ नहीं रहा क्योंकि वो उनसे इम्यून है, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, लगभग 3 मिलियन उसको टॉर्पोर देना है ऐसे करके, बाबा रे बाबा पता नहीं कितनी बार मुझे मरना पड़ेगा ऐसे उसको टॉर्पोर देने के लिए, सच में भाई 3 मिलियन। लास्ट लोकेशन, कपड़े शपड़े पहन ले रहा हूँ मैं, चलो जा रहे भाई लास्ट लोकेशन, घर पे भेज रखा ठीक है, ये रहा हमारा लैपिस लजुली, ठीक है से शाबाश, वेरी वेरी डेंजरस काम करता हूँ मैं, ठीक है खतरों का खिलाड़ी बन रहा हूँ मैं गाइस, मौत को चूके टक्कर से वापस आ गया, शाबाश वेल डन, वेरी वेरी डेंजरस, 1 मिलियन टॉर्पोर चढ़ चुका है गाइस उसको, इसके रेंज से बाहर जा रहा हूँ पहले, मौत को चूके टक्कर से वापस आ जाता है तेरा भाई, ठीक है मजाक थोड़ी है, चलो आ जाओ बस उड़ जाना है सीधा पूछ पे लैंड कर, सही है 1.3 मिलियन टॉर्पोर चढ़ गया है, ओके नाइस 1.6 मिलियन, बाप रे इस बार रेडी था लैंड करते ही बेटी बढ़ाई मेरी, लैंड करते ही ठीक है, इस बार वो रेडी था भाई साहब, जैसे मैं जमीन पे लैंड करा वैसे ही मुझे भाई उसने ऊपर पहुंचा दिया, कोई ना आधा टॉर्पोर मैंने उसको चढ़ा दिया है भाई, ठीक है ग्लाइडर काफी काम आ रहा है हमारे,
काफी ज्यादा ही काम आ रहा है ग्लाइडर। रुक जाओ, फटाफट से अभी सामान ले लेता हूँ मैं यहाँ से। बराबर, ठीक है, चलो लास्ट लोकेशन। डर के आगे जीते गाइज, एक बार बस मिल गया ना हम लोग को तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, पता है। वेयर इज दैट सांप? वो रहा, ग्लिच हो गया ये। ओके, सही से अच्छे से चलो। उड़ना, ओके गॉट इट, संभल के चल भाई, रेंज से बाहर चल उसके जल्दी। टीपी तो भेज रखा है ना मैंने वापस, टीपी भेज देता हूँ। पैराशूट लगा के जा रहा हूँ मैं उड़ उड़ के, पैराशूट लगा के जा रहा हूँ। ओके, 2.2 मिलियन तारपोर चढ़ा दिया मैंने उसको। स्टिल फॉलोइंग मी? यस इज, ये फॉलो कर रहा है मेरे को स्टिल। ठीक है, रेंज से बाहर जा चुका हूँ मैं उसके। रिटर्न टिकट, आई थिंक से अभी ये कुछ करेगा नहीं। ओ ना 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 ना, ना भाई, ये पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है। रिटर्न जाना पड़ेगा थोड़ा दूर। रिटर्न टिकट, चलो आ जाओ, वापस जा रहा हूँ मैं। ओके, सिंबल उड़ जाओ, तेरे भेज क्या उड़ जा। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। भाई ये ले टेमो, जल्दी तेरा फूड डाउन है पूरा, जल्दी टेमो ना। अरे खाना मेरी जान, क्या ब्लू वाला चाहिए क्या? ब्लू वाला मंगता है, रुक जा ब्लू वाला लेके आ रहा हूँ मैं, चुपचाप बैठे रहे। फाइनली भाई, सांस में सांस आई मेरे भाई, फाइनली लैपिस लजुली को टेम कर ही लिया हम लोग ने, नॉकआउट कर लिया एक्चुअली मैं। ओके, ब्लू वाला मीट चाहिए मुझे, मीटम 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 मीटम। हाँ ब्लू वाला दियो, ब्लू वाला भाई, ब्लू वाला मीट भाई लेके जाना है मुझे उसको टेम करने के लिए। मजाक थोड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था यार, मैं बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था गाइस। ब्लू वाला मीट एक का डबल कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर एक का डबल हो रहा है। होने तो, चलो होने तो, चलो गाइज लास्ट लोकेशन पे जाके उस सांप को टेम करके पहले उसके अंदर ट्रैकर डालना है मुझे, ताकि वो जो ना गाइज बिल्कुल भी यहाँ पे मरे ना कभी। पहले तू टेम हो जा भाई, पहले टेम हो जा। रैप्टर की तरह हुई इसने, वो आवाज निकाली क्या? अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, घर पे जाके इसके अंदर ट्रैकर, इसके अंदर आर्मर स्टोन, सारी चीजें डाल दूंगा। ये सांप मरना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, ये सांप अपनी मेन भाई जाने। अभी आर्मर स्टोन मेरे पास है ना, स्टोन मेरे पास है नहीं, ये रहा आर्मर स्टोन, ठीक है। वाइवरन का सैडल, वाइवरन का सैडल, ठीक है। लैपिस लजुली किधर है? ये रहा। ओके, ट्रैकर, ट्रैकर भी है, ये आर्मर स्टोन भी डालूंगा, ये वाइवरन का सैडल भी डालूंगा जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। आ जा मेरे भाई, आ जा साहब भाई, ये भी ले, ये भी ले, ट्रैकर भी ले, ठीक है। और भाई वेट में पॉइंट, इसके हेल्थ में भाई बरबर के पॉइंट डालने, ताकि ये बिल्कुल भी ना मरे, कुछ भी हो जाए ये मरना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ओके, पहले तो आपको मैं भाई सांप के दर्शन भाई यहाँ पे करा दूँ। इसको इतनी मुश्किल से गाइस नॉकआउट करके टेम करा है, इतनी बार मराओ भाई सांप से, तो थोड़ा आपको दर्शन करा दूँ। ये रहा गाइस हमारा प्यारा सा एनाकोंडा, देख रहे हो, इसकी मदद से मैं इजीली किसी को भी जो ना गाइस यहाँ पे नॉकआउट कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा पावरफुल और जहरीला जो ना गाइस ये सांप है, इसकी मदद से हम लोग आसानी से किसी को भी जो ना गाइस यहाँ पे बेहोश कर सकते हैं। तो कैसे लग रहा है कैसे हमारा एनाकोंडा, देखना भाई इसकी लाल लाल आके वैसा जीप बाहर निकाल रहा है, दू क्या बेटा पटेड शॉट, ठीक है। चलो अभी इसकी पावर देखते हैं, इसकी पावर देखते हैं, इसका टॉर्पोर कितना जा रहा है देखना है आपको, दिखाता हूँ आपको। फॉल डैमेज पड़ेगा भाई, पड़ रहा है, पड़ रहा है। इसके पास अटैक कौन कौन से, वैसे ऐसे नहीं दिख पा रहा, ऐसे देखना पड़ेगा। बाइट अटैक, पॉइजन वाला, ये अटैक डैमेज टॉर्पोर दे रहा है। ओके, बाइट अटैक टॉर्पोर नहीं दे रहा क्या इसका भाई? सीधा सीधा बेहोश, सीधा बेहोश, लेट्स गो। और डैमेज 50,000 डैमेज है, और फायर अटैक का 3,000,
मतलब फायर अटैक से हम लोग नॉकआउट कर सकते हैं इसका 2 मिलियन है टॉर्फोर, क्या चढ़ पाएगा 2 मिलियन? चढ़ पाएगा? चढ़ तो रहा है, 3 लाख चढ़ गया, 5 लाख चढ़ गया, 6 लाख चढ़ गया, 8 लाख, 1 मिलियन चढ़ गया, 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन, लेट्स गो। ओपी बोलते बॉयज, अभी मैं किसी को भी नॉकआउट कर सकता हूँ, किसी को भी, जैसे मैंने इस बंदर को नॉकआउट करा है, मजा आ गया भाई। इसको, इस बंदर को अगले एपिसोड में टेम करूंगा, ठीक है? मेरे पास इंस्टेंट बीट नहीं है, मैं बना के टेम करूंगा। इसके डैमेज में ज्यादा पॉइंट नहीं डालने का, ठीक है? हमको इसके डैमेज में ज्यादा पॉइंट नहीं डाल रहा हूं मैं, बट इसको मैं मैक्स लेवल करूंगा। अगर डैमेज में ज्यादा पॉइंट डाले तो इसका टॉर्पोर भी बढ़ेगा, बट सीन क्या होगा पता है, फिर मैं लो हेल्थ वाले जो डायनोस होंगे ना, जिनकी लो हेल्थ है बट उनका टॉर्पोर भाई 2-3 मिलियन है, ऐसे डायनोस को मैं नॉकआउट नहीं कर पाऊंगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा अभी 50,000 का डैमेज जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा अभी फिलहाल के लिए तो इसके डैमेज में पॉइंट नहीं डाल रहा, ठीक है? इसको मार मार के भूत बना दिया बेचारे को, खा गया। मैं अपनी मैक्स लेवल करता हूँ और जितने भी पॉइंट है ना, वो सारे के सारे मैं इसके हेल्थ में डाल देता हूँ। जितने भी पॉइंट आएंगे सारे के सारे इसके हेल्थ में डालूंगा, लाइक दिस। ओके, इम्प्रिंट नहीं यार, इम्प्रिंट करूंगा तो इसका डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमको कहीं पे ज़रूरत लगी कि इसको इम्प्रिंट वगैरह करनी है तो हम कर लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए तो इम्प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। फाइनली गाइस, हमारे पास ऐसा डाइनो आ चुका है जिसकी मदद से मैं इजीली एक ही बारी में 1.5 मिलियन तक का टॉर्पोर दे सकता हूँ। एंड अभी इसकी मदद से आने वाले एपिसोड्स में हम लोग काफ़ी सारे खतरनाक और रेयर डाइनोस को टेम करने का काम करने वाले। कितना लेवल है भाई? 450। तेरे को भी इंस्टेंट मीट चाहिए? तेरे को भी इंस्टेंट मीट चाहिए मेरे भाई? देखो, इसलिए गाइस देखो, अब ऐसे हम लोग इजीली नॉकआउट। मर गया, नॉकआउट ये तो मर गया भाई, भाई वो ट्राइक मर गया यार, मुझे उसको नॉकआउट करना था, बट जैसे मैंने ये फायर छोड़ी ना तो उसको बर्निंग डैमेज पड़ा और वो थोड़ा सा स्वर्ग सिधार गया गाइस। चलो कोई ना, नो प्रॉब्लम हो, मैं खुश हूँ गाइस कि हमारे पास ये डायनो आ चुका है। अगर इसका डैमेज मेरे को कम करना पड़ा तो मैं कम करूंगा, अगर ज़्यादा करना पड़ा तो हम लोग इसका डैमेज जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। भाई पानी पे देखो कैसे तैर रहा है भाई, वो वेरी वेरी डेंजरस भाई साहब, क्या लग रहा है भाई ये साहब, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो हमारे सांप को। चलो अभी इस सांप को चुपचाप से ऊपर चढ़ा देते हैं और अगले एपिसोड में खतरनाक ओपी वाले डायनोस टेम होने वाले। सो अगला एपिसोड जो होगा ना गाइस वो बिल्कुल मिस नहीं करना। और हमारा जो इच्छाधारी सांप है ये आपको कैसे लगा जरूर बताना गाइस नीचे कमेंट करके। बाकी मिलते हैं सिद्धार्थ से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क इटर्नल के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। How careless we yeah. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.